दोस्तों आज हम आप सभी को चार धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम के उन 10 रहस्यों को बताएंगे जिसे भारत के लोग बहुत कम जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल जरूर लिखिएगा। नंबर एक, पौराणिक कथाएं मिलती है कि पहले भगवान शिव अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ में वास करते थे। फिर एक बार श्रीहरि को ध्यान लगाने के लिए एकांत स्थल की तलाश थी, तो उन्हें बद्रीनाथ वाला स्थान पसंद आया। क्योंकि यहाँ शिव जी पहले से निवास कर रहे थे, तो भगवान विष्णु अपने आराध्य से उनका निवास स्थान कैसे मांग सकते थे। तब उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने छोटा बच्चा का रूप लेकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माता पार्वती की नज़र इस बालक पर पड़ी तो वो उसे चुप कराने की चेष्टा में लग गई, लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा था। माता पार्वती उस बच्चे को नहीं पहचान पा रही थी, लेकिन शिव जी समझ गए कि वो बालक के रूप में साक्षात विष्णु है। माता पार्वती बच्चे को गोद में लेकर अपने कक्ष में सुलाने के लिए ले जाने लगी, तो शिव जी ने उन्हें रोका और कहा कि ये बालक स्वयं चला जाएगा। पार्वती जी नहीं मानी और उसे गोद में लेकर सुलाने लगी। जब वो सो गया तो वो बाहर आ गई। पार्वती जी के बाहर आने के बाद बालक ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। जब भोलेनाथ जी वहां पर पहुंचे तो बालक ने उनसे कहा कि उसे ये स्थान पसंद आ गया है और वो यहाँ से केदारनाथ चले जाए। इस तरह ये स्थान बन गया भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ धाम, और शिव जी अपने परिवार को लेकर केदारनाथ में वास करने लगे। नंबर दो, बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। मंदिर में भगवान की मूर्ति शालिग्राम से निर्मित है। माना जाता है कि शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की इस प्रतिमा को आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही एक रूप है, जिसे राक्षस जलंधर की पत्नी वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धारण किया था। नंबर तीन, ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किए जाने के बाद भगवान विष्णु की ये मूर्ति एक बार विलुप्त हो गई। फिर उसके बाद संत रामानुजाचार्य ने मूर्ति को फिर से स्थापित करवाया। फिर 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने बद्रीनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया और मूर्ति को गुफा से निकालकर मंदिर में स्थापित करवाया। चौथा, पुराणों के अनुसार भूकंप, जलप्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी, और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थस्थल की रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम विलुप्त हो जाएंगे, और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नाम के नए तीर्थ का उद्गम होगा। ये भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन ये हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थस्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। पांचवा, भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति के ललाट पर हीरा जरा हुआ है, जिसे देखकर भक्तजन धन्य हो जाते हैं। बताया जाता है कि एकादशी देवी का प्राकट्य भी यहीं पर हुआ था। पद्म पुराण में बताया गया है कि विष्णु जी ने यहाँ पर मूढ़ नामक राक्षस का वध किया था। भगवान की माया से एकादशी देवी का प्राकट्य भी यहीं पर हुआ था। मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिने और कुबेर की मूर्ति है, उनके सामने उद्धव जी है तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जम जाने पर जोशीमठ में लाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है। बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है, इसके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी है। छठा, आदिगुरु शंकराचार्य जी जब बद्रीनाथ आए तो यहाँ रहने वाले बौद्ध धर्म के लोग तिब्बत की तरफ चले गए, और तिब्बत जाते ही वे बद्रीनाथ जी की मूर्ति को नारद कुंड में छुपाकर चले गए। बौद्ध लोग ऐसा मानते थे कि ये मूर्ति गौतम बुद्ध की मूर्ति है, और इस मूर्ति को लेकर कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी भी कही जाती है। फिर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से इस मूर्ति को निकालकर इस मंदिर में स्थापित किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ जो बद्रीनाथ जी की मूर्ति विराजमान है, उसकी रूपरेखा बिल्कुल गौतम बुद्ध की रूपरेखा से मिलती जुलती है, यानी बुद्धिस्ट लोग इसी तरीके से गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाया करते थे। सातवां, बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल हैं, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना, जिसे तप्त कुंड कहा जाता है, एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में उल्लेखित एक शाप शिला है,
शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड शेष नेत्र है। भगवान विष्णु के पैरों के निशान है चरण पादुका। बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ है, जो गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। आठवा, वैसे तो हर मंदिर में शंख बजाना शुभ माना जाता है, लेकिन बद्रीनाथ में इस पर रोक है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि बद्रीनाथ मंदिर के आसपास का पूरा इलाका हमेशा बर्फ से ढका रहता है, ऐसे में शंख बजाने से इसे निकलने वाली ध्वनि बर्फ से टकरा सकती है, जिसे बर्फीले तूफान आने का खतरा रहता है। दूसरा, बद्रीनाथ में शंख ना बजाए जाने का एक आध्यात्मिक कारण भी है। शास्त्रों के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी बद्रीनाथ में बने तुलसी भवन में ध्यान कर रही थी, तभी भगवान विष्णु ने शंखचूर नामक राक्षस का वध किया। लेकिन विष्णु जी लक्ष्मी जी का ध्यान भंग नहीं करना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने शंख नहीं बजाया। तब से बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता है। नौवा, जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उनका घर हिम से पूरी तरह डूबने लगा। ये देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर के वृक्ष का रूप लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूरा किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी है, तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा, और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ गया। दसवा, चारों धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए उधरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम दो बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं? अगर हाँ तो इससे जुड़े सभी अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।